पुष्कर में बुधवार को पार्षद रविकांत पारेश्वर उर्फ रवि बाबा के नेतृत्व में DBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स 100% फर्स्ट डिवीजन इन 10th बोर्ड 50% डिस्काउंट फॉर गर्ल्स DBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। स्थानीय युवाओं ने उपखंड अधिकारी देविका तोमर को ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के नाम का ज्ञापन सौंपकर बिजली बिल में संशोधन करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि कोरोना महामारी को लेकर पिछले 3 माह से लॉकडाउन चल रहा है, जिससे संपूर्ण प्रतिष्ठान होटलें आदि बंद पड़ी हैं। फिर भी विद्युत बिल बड़ा चढ़ाकर दिए जा रहे हैं तथा विद्युत बिल में पेनल्टी लगकर मनमाने तरीके से बिल वसूल किए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को बिल जमा कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा विद्युत कर्मी भी कोई संतोषजनक जवाब उपभोक्ताओं को नहीं दे रहे। पार्षद रविकांत पारेश्वर ने प्रशासन को चेताते हुए बताया कि यदि बिजली के बिलों से जल्द राहत नहीं मिली तो लोगों के साथ मिलकर डिस्कॉम के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने के दौरान ललित पारेश्वर, दीपक पारेश्वर, जॉनी पारेश्वर, भारत पारेश्वर, सुनील पारेश्वर सहित कई लोग मौजूद थे। ये ज्ञापन SDM को प्रेषित किया है। बिजली विभाग में जो भी अनियमितताएं चल रही है, त्रुटिपूर्ण बिल दिए जा रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से पूरा देश देख रहा है लॉकडाउन की स्थिति को। सारे लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी बदहाल है और इस बदहाल स्थिति को देखते हुए भी वो बिल बड़ा चढ़ा के दिए जा रहे हैं। जब वहाँ पे कोई उपभोक्ता वहाँ जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है और वहाँ उसको इधर से उधर मतलब एक धक्के वाला माहौल है, कोई इधर भेजता है कोई उधर भेजता है। तो मैंने मैडम को अवगत करवाया इस समस्या से और वहाँ पे भी एक हेल्प डेस्क की मांग करी है कि एक ही जगह सारी समस्याओं का निस्तारण हो, उपभोक्ता को इधर से उधर घूमना नहीं पड़े। तो ये चीज़ें मैंने बताई है और कई ऐसे हैं कि अभी पेनल्टी की भी गाइडलाइन क्लियर नहीं हो पा रही है कि पेनल्टी किसको माफ़ की जाएगी और किसको नहीं माफ़ की जाएगी। और बिल जो आ रहे हैं, जैसे आज बिल किसी के पास आया और कल लास्ट डेट है तो आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, उसको 10-15 दिन का टाइम भी तो मिले कम से कम बिल भरने के लिए। बिल माफ़ी की तो मैंने कभी बात ही नहीं करी है कि भाई बिल माफ़ किए जाओ, क्योंकि जब भी उपभोक्ता उपभोग कर रहा है तो उसका बिल तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन एक तरीके का बिल हो और उसके साथ में कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो, तो यही मैंने मैडम जी को अवगत कराया है। अगर ये चीज़ें जल्दी से इसका निस्तारण नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा बिजली विभाग के खिलाफ़।